नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जंगल का जीवन अर्थात जीवन से अटूट बंधन है, ऐसा कहते हैं डांग जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री मंगल भाई गावित ने कहा कि कोरोना काल के दौरान अनुभव की गई कठिनाइयों के बाद हर किसी ने ऑक्सीजन के मूल्य को समझा है और सभी के जीवन में पेड़ों के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। ये कहते हुए कि हजारों पर्यटक जो डांग की वन प्रकृति और प्राचीन सुंदरता का आनंद लेने और जानने के लिए आते हैं, वे केवल जंगलों के लिए धन्यवाद हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यटकों की आवाजाही के कारण स्थानीय रोजगार भी पैदा हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र वागई में आयोजित 74वें वन महोत्सव के दौरान मुख्य मंच से गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मालिकी योजना के 48.74 लाख रुपए का लाभ दिया गया, जबकि उपचरण से 192.48 लाख रुपए प्राप्त हुए। कुल 241.23 लाख रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार वन लक्ष्मी योजना के तहत मुख्य मंच से 40.82 लाख रुपए के लाभ के साथ साथ वाड़ी योजना और क्लस्टर योजना के लाभार्थियों को आम काजू की कलम और कृषि उपकरण और किट दिए गए। इसके साथ ही सराहनीय कार्य करने वाले वन कर्मियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। डांग वन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान 2223 हेक्टेयर वन क्षेत्र में कुल 17.52 लाख पौधे लगाए गए हैं, जबकि एक महोत्सव के दौरान 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।